चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं, 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं, दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं, इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचा कर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं, अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं, अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं, साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं, नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So, let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें, जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला रहा है आपके घर में, जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान है, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए। हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है।
अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, एक रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। यूट्यूब पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन है उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप यूट्यूब पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन मन धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगे ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू कर। सिंह राशि वालों अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको कुछ बीपी या शुगर डाउन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को यूट्रस या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वहां थोड़ा आपको ख्याल रखना है। कुछ लोगों को मूड स्विंग्स होते हुए अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं अस्पष्टता, कंफ्यूजन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है, मतलब किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं लगेगी या शरीर में ही आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसी कुछ भावनाएं आपको आ सकती हैं। कुछ रात्रि में डराने वाले सपने आ सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बच करके रहेंगे। आप रात में कोई भी ऐसी चीज देख कर ना सोएं जो आपको डरा सकती है या आपकी सबकॉन्शियस से आ सकती है, क्योंकि डरावने सपने काफी लोगों को आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना होगा, गुस्सा थोड़ा अति में आता मुझे दिखाई दे रहा है, आपको हद से ज्यादा गुस्सा आएगा, मतलब बिल्कुल ऐसा कहते ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, या बहुत सारे लोग आपको गुस्सा दिलाने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे, आपको पंप करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका काम बन जाए, बुरे आप बने, गुस्सा आप करो और काम उनका बन जाए, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे। हेल्थ वाइज ओवरऑल बात करें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनके लिए थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी वगैरह ज्यादा हो सकती है, ओवरऑल बाकी हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। सिंह राशि वालों साल 2024 में अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों में आप कुछ नई शुरुआत करेंगे, नयापन लेके आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो कुछ नया प्लान करेंगे, नया कर भी पाएंगे, जिसकी वजह से एक नयापन आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो आपको ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप हमेशा केवल किसी की हेल्प नहीं करते हैं, केवल सेल्फिश रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, आपको अपने हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप उनका वो माइंडसेट भी चेंज करेंगे। काफ़ी कुछ आप अपने पार्टनर के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत अड़ियल और ज़िद्दी हो सकते हैं साल 2024 में, वहाँ आपको थोड़ा उनको समझा बुझा के काम लेना होगा, कम्युनिकेट करते रहना होगा, उनको बात आपको समझाते रहनी होगी कि आप ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। अगर उनको बता के चलोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का पास्ट में कोई रिलेशनशिप है या कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो लौट करके आ सकता है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको उसको चांस देने की जरूरत नहीं है, आपको उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसके आने के बाद भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होने वाली है, तो आपको उस पास्ट में ना पड़ते हुए अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको अपने किसी परिवारजन में किसी के हेल्थ की दिक्कत लगती है तो साल 2024 में वो खतरा जो है वो टल जाएगा। अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ डिटेक्ट हुई है, कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हुई है, तो आप चिंता मत करिए, तब भी आपके परिवारजन बिल्कुल सेफ है, ऐसा दिख रहा है। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर रेफोइन ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। आई इन इंडिया राइट नाउ इन न्यू दिल्ली। आई जस्ट केम टू विजिट माय गुरु मा, व्हिच इज गुरु मा रुक्मणी। I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings
of the guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyoti Kamaya. थैंक यू सो मच। सिंह राशि वालों, अगर साल 2024 की बात करें, उसमें आपकी धन की स्थिति बात करें, तो आप बहुत ही होपफुल रहेंगे। और पीछे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या किसी को पैसा दिया है या कहीं आपने पैसा लगाया है, तो उसकी रिटर्न आती मुझे दिखाई दे रही है। तो उस मसले में बहुत अच्छा समय है। धन को लेकर के आप काफी होपफुल बने रहेंगे, पैसा सेव भी कर पाएंगे और होपफुल भी रहेंगे, दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। अगर आपका काम जो है वो किसी डिस्टेंस जगह पे लगा हुआ है, यानी कि दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, या आप इंटर सिटी इंटर स्टेट ऐसा कोई काम करते हैं या इंटरनेशनली कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको लाभ की विशेष प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। बैंकिंग रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, बैंकिंग सेक्टर से आप कनेक्टेड हैं, तो भी उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साल 2024 में काफी तेजी से आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, कई सारे ऐसे ऑफर आएंगे जिसमें आप काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ विशेष मुझे पार्टनरशिप के ऑफर दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पैसों को लेकर के कई लोग आपसे छिड़ेंगे भी, जलेंगे भी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उन सभी को आगे छोड़ते हुए काफी आगे अपने स्टेटस को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में पैसे में आप में काफी कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री में है, खाने पीने से संबंधित काम है, रेस्टोरेंट वगैरह से संबंधित काम है, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको उसको इंटरनेशनली या ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई विशेष लाभ आपको जरूर दिख रहा है साल के मध्य में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी सारे लोग जो है वो कुछ आभूषण यानी कि कुछ ज्वेलरी सेट वगैरह लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं साल 2024 में। अपने लिए कुछ गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चोरी की संभावना जरूर बनी हुई है, संभावना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उसको बचा लोगे। तो थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत है, तो वहां कोई कैमरे वगैरह आपको फिक्स करने चाहिए, कि आपको संभावना लगेगी, डर रहेगा कि चोरी ना हो जाए, लेकिन होगा नहीं। ओवरऑल बात करें तो काफी कुछ लोग घर के लिए कोई अच्छी नई संपत्ति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी लग्जरी पे एक नई गाड़ी लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग घर को रेनोवेट करते हुए या नए घर की कंस्ट्रक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल धन की दृष्टि से अच्छा है। सिंह राशि वालों, साल 2024 में आपकी भक्ति बढ़ती हुई बहुत दिखाई दे रही है, कि आप भगवान के प्रति काफी समर्पित होंगे, काफी भक्ति बढ़ेगी, कई सारी नई चीजें सीख सकते हैं, भजन पूजन सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में और अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। आप मुझे काफी लंबे समय तक आपकी पूजा का टाइम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। कुछ लोग अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। अगर बनना चाहते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें फिर बढ़ोतरी हो सकती है, लंबा समय आप उसको और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ लोग हनुमान जी के दर्शन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको हनुमान जी के दर्शन स्वप्न में हो सकते हैं, आप उनके मंदिर जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी रक्षा करने के लिए सदैव वहां तत्पर होंगे। कुछ लोग गलत रास्ते पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, आपके अच्छे कर्मों की कृपा से आप बच जाएंगे। कुछ लोग आपको, कुछ स्त्री, कोई एक स्त्री है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकती है, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकती है, आपके घर तक वो बात पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, भगवान की कोई ऐसी चमत्कार होंगे जिससे आप उस समस्या से बच जाएंगे। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ मुझे दिख रहा है कि आप और ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाकलापों में जुड़ेंगे, आपके बच्चों को लेकर के आप आगे आएंगे, वो ये बहुत ही अच्छा उस चीज के लिए समय है कि आप आगे बढ़ें, कुछ ज्ञान प्राप्ति करें और अपने भीतर के अंदर को शुद्धि लाएं, घमंड जो है वो आपका दूर हो और शुद्धि जो है वो आपके भीतर में आए। अगर आपका खेती बाड़ी से संबंधित कार्य है, तो इंद्रदेव की पूजा जरूर करते रहें, क्योंकि उनकी कृपा इस वर्ष में आपको विशेष मिलेगी। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुमा अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूँ जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है।
ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो जो भी अच्छे फल है बुरे फल है किसको मिलते हैं, लगन को मिलते हैं। लगन कौन है, हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको, झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है आपका। फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं, आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं, उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा, तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव, एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो द्वितीय घर है जो सेकंड हाउस में उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, जो नवम घर है इनका उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है, नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6 इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का जो भी ग्रह बैठा है उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है पहले घर में, शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में, तो शुक्र का जो मूलांक है वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखे, सेकंड हाउस में इनके 3-3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6, ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 38, 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से आपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेष फल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए, तो 12 5 60 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेष फल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है, टेबल में रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं।
तो अब आपने सेकंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं तो इनके स्वामी जो है सेकंड हाउस में, इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है क्योंकि, तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके थर्ड हाउस में बैठे या फोर्थ हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है, ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे, अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु, गुरु जहां बैठा है वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पहुंचा इसका भाग्य में। वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है, या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी, लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है, तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है, तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 इयर्स के आसपास का रहेगा, तो 77 जो इयर्स है या उसके बाद का जो है तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं, चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, पद प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।